हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज हम फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फाइलेरिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस बीमारी को रखा गया है। सरकार भी चाहती है कि आपका बीमारी जो है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए और फाइलेरिया पूरा मिटाया जा सके, लेकिन सरकार के तमाम तरह के प्रयास के बाद भी आपका बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी फाइलेरिया हाथी पांव माइक्रोफाइलेरिया जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। बीमारी को आराम करना अलग बात है और जड़ से ठीक करना अलग बात है। इसमें आप फाइलेरियासिस में आप कई तरह का एलोपैथिक दवा प्रयोग कर चुके होते हैं, हेट्राजन, बेनोसाइडफोट, एल्बेल्डाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन, इसके साथ में अन्य दवाइयों का भी आप प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन बीमारी आपका जस का तस बना हुआ है। कई लोग तो केरला में जाकर भी उपचार कराए और उल्टा ही साइड इफेक्ट होने लगा तो भागे भागे आनी पड़ी। जब उन्हें बीमारी ये होना शुरू हुआ तो शुरू में तो समझते हैं लोग कि ठीक हो जाता है आसानी से, लेकिन बार बार बीमारी अटैक करता है। बार बार दवा खाते हैं, पहले थोड़ा कम पैर फूला रहता है, फिर बाद में थोड़ा सा ज़्यादा पैर फूला रहने लगता है। शुरू के दवा में तो बिल्कुल लगेगा कि आपको बीमारी नहीं है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में वापस आ जाता है। बार बार डॉक्टर बदल कर, बार बार दवा बदल कर भी आप देख लिए हैं, तभी भी फाइलेरिया टस से मस नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पताल में भी फ्री में दवा मिलता है, फिर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यदि आप तमाम तरह का सरकारी प्राइवेट हर तरह का उपचार करा लिए हैं फाइलेरिया का, उसके बाद भी आपको यह बीमारी बहुत तंग कर रहा है, खास करके यदि आप युवा हैं और शादी विवाह आपका होने वाला है और इसी के चलते आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो शादी में थोड़ा आदमी फिट रहता है, सुंदर स्मार्ट दिखाई देता है, तो उसमें अच्छा लगता है। तो इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले आप सभी रोगियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी बीमारी के बारे में हम तभी आपसे शेयर करते हैं, वीडियो लाते हैं, जब उसका हम 100% उपचार करते हैं और वो ठीक हो जाता है। कई मरीज हमने देखा और उसका हमने ठीक किया, और जब ठीक हुए तो हम उनका आपको लाइव कर दिए, क्योंकि देश दुनिया देखे कि फाइलेरिया का बीमारी जो है किस ढंग से ठीक होता है। तो मेरा फाइलेरिया हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह वो चिकित्सा करते थे और उनसे हमने कुछ सीखा, उसके बाद में अपने हमने जो मेडिकल का जो भी हमारे पास अनुभव है, पढ़ाई हमने किया, उसके चलते ये बीमारी हम ठीक कर पाते हैं। हम फाइलेरिया का 100% ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? क्योंकि हम डिजिटल रूप में प्रमाण देते हैं कौन सा रोगी किस डेट में ठीक हुआ है, और उनका हम चेहरे को भी लाइव करते हैं, उन्हीं के बात हम रोगी द्वारा ही हम आपको सुनाते हैं। कई फाइलेरिया के मरीज ऑपरेशन का डेट भी पड़ गया था और हमारा दवा लेने के बाद में बिना ऑपरेशन का ठीक हो गया। दवा जब आप दवा कराते कराते जब थक हार जाते हैं तो बड़े डॉक्टर के फेर में पड़ते हैं, दवा बदलने के फेर में पड़ते हैं, इन सभी से भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप ऑपरेशन कराने के लिए सोचने लगते हैं। ऑपरेशन कई लोग करा भी लेते हैं, ऑपरेशन के बारे में
ऑपरेशन के बारे में जितना आप जानते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। ऑपरेशन के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तब आप मरने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन फाइलेरिया से कोई मरीज मरेगा नहीं, इसकी फूल हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। सबसे पहले आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है इसका फाइलेरिया जो है, सुबह से फाइलेरिया धीरे धीरे पैर आपका मोटा होते जाता है और मोटा होते होते शाम तक बढ़ता है। रात में फिर कभी ये बीमारी नहीं बढ़ता है, ये केवल दिन में आपको बढ़ता है। रात में आपका बीमारी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सुबह में जैसे जैसे आप काम करेंगे, खड़ा होंगे, टहलेंगे, तब बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फाइलेरिया ज़्यादातर आपको एक पैर में होगा, एक पैर मोटा होगा धीरे धीरे, शायद ही किसी का दोनों पैर फूला रहता है। ज़्यादातर फाइलेरिया के मरीज में एक ही पैर फूलता है। और फाइलेरिया जब आगे बढ़ेगा पैर से, यदि उस समय आप उपचार नहीं करा पाए, तो स्क्रोटम हाइड्रोसिल यानी पुरुष का हाइड्रोसिल बढ़ सकता है, दर्द भी रह सकता है। फाइलेरिया की वजह से कई लोग ऑपरेशन भी कराते हैं, वो भी परमानेंट आपका सोल्यूशन नहीं हुआ, उसे भी ठीक नहीं होता ऑपरेशन से। ऑपरेशन से आपको बचनी चाहिए। और जब बीमारी आगे बढ़ेगा, तो अगर लेडी हैं, स्त्री हैं, तो उनके छाती में गिल्टी आ सकता है। और इससे भी बीमारी आपको आगे बढ़ेगा, तो आँख आपका लाल रहने लगेगा और दूध के तरह पेशाब होता है। दूध के तरह पेशाब होने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। दूध के तरह पेशाब होता है तो ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। और फाइलेरिया में आपको जब अटैक करेगा तो पैर या हाइड्रोसिल या हाथ पर अटैक करता है, हाथ भी आपका मोटा हो सकता है। हाथ एक फूलेगा या दोनों फूल सकता है। बीमारी अटैक करने के दौरान आपको जार बुखार आपको काफ़ी आने लगेगा, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। ठंड आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और शरीर में लाल लाल दाने भी आ सकता है। उल्टी भी हो सकता है, पैर में अथवा पूरे शरीर में दर्द रह सकता है। ज़्यादा सिम्टम तो आता नहीं है, बस इतना ही आपको घुमा फिरा के आएगा। तो फाइलेरिया का लक्षण यही है। कई बीमारी में आपका पैर फूलता है, किडनी में भी फूल जाएगा, लीवर के बीमारी में भी फूलेगा, हार्ट के बीमारी में भी फूल जाता है हार्ट के वजह से, लेकिन किडनी में पूरा शरीर फूलता है। उल्टी जैसा मन भी रहता है, सेहत उनका काफ़ी ख़राब भी रहने लगता है, भूख भी कमी होने लगता है, तो वो बीमारी साफ साफ समझ में आएगा। और लीवर के चलते यदि दिक्कत है तो चेहरा, पेट और पैर तीनों फूल सकता है। हार्ट का भी वही हाल है, पैर भी फूलेगा और उन लोग हार्ट के मरीज जो हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, सीने में दर्द रहता है। सबका अलग अलग सिम्टम आता है, तो फाइलेरिया उसमें आप आसानी से अलग कर सकते हैं। फाइलेरिया के मरीज के लिए सबसे विष का कौन काम करता है, तो दही और केला। दही खेला अगर आप खा लेंगे, हो सकता है तुरंत आप भूत खिलाने लगे, उसी समय जार बुखार भी आ जाए। तो दही केला छोड़ दीजिए, बाकी सब खाना आप ले सकते हैं। दूध आप ले सकते हैं, दूध लेने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। प्याज लहसुन, इस बीमारी के मरीज हैं यदि, तो प्याज और लहसुन का प्रयोग आपके लिए फायदा करता है। तो बुचेरिया बैंक्रप्टिल जो होता है, ये मच्छर के आपको जो हाथी पाँव होता है, हाथी पाँव जो होता है, आपको एक तरह का मच्छर जो है, मच्छर के काटने से ये बीमारी आपको होता है। तो मस्कैटोनेट हमेशा आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए। और मैं आपको कोई भी झूठा बात हम नहीं बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी बात हम ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक हम बताते हैं। हम फाइलेरिया का
ठीक होने का दावा क्यों करते हैं, क्यों हमको रिसर्च करनी पड़ी और हमारा रिसर्च जो दवाइयां हैं काफ़ी कारगर हैं। जो बचपन से जिनको फाइलेरिया था, आज तक किसी भी डॉक्टर का दवा काम नहीं किया था, उस महिला का भी हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुनाया था। तो फाइलेरिया के मरीज हैं और आप काफ़ी चिंतित हो गए हैं इस बीमारी की वजह से, तो चिंता करना छोड़ दीजिए और विश्वास करना सीखिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। कई लोगों का फाइलेरिया जड़ से ठीक हो चुका है। 66 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक करके हमने साबित किया कि फाइलेरिया बिल्कुल 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। इसमें सावधानी बरते, थोड़ा सा मच्छरदानी का प्रयोग करिए, दही केला आप प्रयोग न करें, और किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है यदि आप बीमारी चाहते हैं कि टेम्प्रोरी नहीं और आपका बीमारी 100% ठीक हो जाए, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके अपने पूरा बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 9807755533 पर आप राय ले सकते हैं। तो 9801757533, 9807755533 नंबर को नोट कर लीजिए और आप व्हाट्सएप पर जाइए, हाय लिखिए, पैर का फोटो भेजिए, एड्रेस भेजिए और अपना बीमारी बताइए। घर बैठे हम छपरा बिहार से, बिहार में छपरा जिला है, उसी के अंतर्गत मेरा क्लिनिक है, तो यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपको घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं ऑर्डर करके, और क्लिनिक पर भी आ करके दिखा सकते हैं। जिन लोगों को क्लिनिक पर आना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोकेशन ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं, और चिंता की बात नहीं है। और जहां भी आप जा रहे हैं आप इलाज करवा सकते हैं। यदि एड्रेस चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आज बिहार में है, कल आप दिल्ली चले गए, परसों गुजरात चले गए, तभी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर दवा आपको भेज दिया जाएगा। दवा मंगाने से 10 से 15 दिन पहले आपको ऑर्डर बुक करनी पड़ती है। तो फाइलेरिया का मरीज, ये हम बात नहीं कहते हैं, रोगी को कब विश्वास होता है, जब रोगी कहता है, तो हम लाइव लाते हैं। लाइव में आपको जिनका ठीक हुआ है उनका हम आपको वीडियो शेयर करवाते हैं और उन्हीं के माध्यम से कहलाते हैं। कई लोग तेल, ऐसे तो आपका पैर मोटा हो गया है, तत्काल लाभ चाहिए, तो फिलारिन ऑयल ये अच्छा काम करता है, इसे कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा बहुत आराम जरूर मिलेगा, लेकिन जड़ से कोई भी तेल से आपको आराम नहीं मिलेगा। इसमें आपको यदि आप थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से थोड़ा आराम जरूर हो जाता है, लेकिन आराम होना अलग बात है, बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है। क्या आपको हमारे बात से संतुष्ट हैं, आपको विश्वास हो रहा है कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है? यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी भी कारण आप लिखिएगा कि क्यों आपको विश्वास नहीं हो पाता है कि फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। तो हम कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम शेयर करते हैं। कोई भी मरीज शौक से कोई नहीं आएगा डॉक्टर के पास में इलाज कराने के लिए, खर्च करने के लिए। हम आपके पीड़ा को, कष्ट को समझ सकते हैं। बीमारी को जब डॉक्टर ठीक करते हैं तभी भी रोगी उनके पास आते हैं, नहीं तो उनके पास तो हजारों डॉक्टर पड़े हुए हैं। किसी को ठीक करना ही हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी बीमारी हो पूर्णतः
जड़ से कंप्लीट 100% ठीक हो जाए ताकि जीवन का आनंद ले सके और बीमारी के बारे में ही दिन रात सोचते रहेंगे, बीमारी हमेशा पैर में ले करके जिंदगी उनका कितना बोझ बन जाएगा। तो इसे हम चाहते हैं कि सदा के लिए बीमारी आपका ठीक हो और फिर जिंदगी में ये बीमारी बिल्कुल कभी दिखाई न दे। इसके मच्छर को, मस्कैटो को आप पहचान सकते हैं कि किस तरह का ये होता है। अभी सभी मच्छर के काटने से नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बुचेरिया बैंक्रप्टिल जो हाथी पांव होता है, किस तरह के मच्छर के काटने से होता है। यही है आपको फाइलेरिया का, आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। और इसके कीड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसको ख़त्म होने में समय लगता है। कोई भी आप एंटीबायोटिक देंगे इसे, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेल्डाजोल, फ्लोरसिड का इंजेक्शन, तो ये जल्दी समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। हमारा इलाज करने का कुछ तरीका अलग है, इसलिए इस जीवाणु को ख़त्म करने का हमारे पास रिसर्च है कि इस जीवाणु शरीर से कैसे हटेगा। जब हटेगा तभी आपको अस्थायी रूप से धीरे धीरे फाइलेरिया आपका ठीक होगा जड़ से। तो क्या मैं मान लूँ कि आपको विश्वास हो गया है कि आपका फाइलेरिया जो है 100% ठीक होने वाला बीमारी है? यदि आपको नहीं विश्वास होता है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा, और हम आपसे डिस्कस आप कर सकते हैं किस आधार पर आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। हम इसका उत्तर देंगे, संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही आप इलाज कराएंगे, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, जहां मर्जी जहां आप उपचार करा सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। निराश रोगियों के लिए आशा की किरण जरूर है, दुनिया उम्मीद पर टिका हुआ है, आपका बीमारी भी जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।